हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बर्मन्स ब्लॉग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जब भी इस दुनिया में कुछ यूनिक होते हैं तभी लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो वैसे ही हम लोगों ने एक यूनिक अनकॉमन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दिखाने के लिए आप लोगों को लेके आए हैं। इंडिया का सेकेंड पोजिशन में और असम में पहला एक एंटरप्रेन्योर है जिनका नाम है अमरेंद्र भागवती, और उनके पास हम लोग आए हुए हैं। क्या यूनिकनेस है, क्या चीज़ें उन्होंने तैयार किए हैं जिसके लिए इतना इच्छुकता हम लोगों को बढ़े हैं और यहाँ हम लोग आ पहुँचे हैं। उन्हीं के जो सेंटर है वो सेंटर के और लॉबी में हम लोगों को बिठाए हैं। वो हम लोगों को अभी कॉफ़ी वॉफी पिलाएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ये देखिए एक्वेरियम आप लोग देख पा रहे हो मेरे बगल में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी साइन फॉर यू पीपल ऑल, सो बी विद मी इन दिस वीडियो टिल द एंड। आप लोगों को बहुत ही मज़ा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर वही होते हैं जो थोड़ा सा हद के करते हैं, नॉट लाइक कॉमन पीपल। तो उसी का यही उदाहरण है जो हम लोग आज विजिट करने आए हैं। ये जगह का नाम है हरिघाटा, जो कि बरपेटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में आते हैं। रास्ता छोटा है क्योंकि साफ हुए है, लेकिन फिर भी बहुत ही सुंदर है, साफ सुथरा है और दोनों साइड में पूरा ग्रीनरी, पूरा हरियाली। असम में पहली बार हम लोगों को दिखने को मिला है ऐसा एक यूनिक चीज़ है जिसका नाम है जलपरी अंडर वाटर फैमिली रेस्टोरेंट। जो ये अंडर वाटर फैमिली रेस्टोरेंट है इसके बारे में हम डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे, दिखाएंगे और क्या क्या यूनिक चीज़ें इन्होंने यहाँ एस्टेब्लिश किए हैं। और ये जो एंटरप्रेन्योर हमने नाम बताया भगवती दा, तो भगवती दा से भी बात करेंगे कैसे इनको ये सब आइडिया आया, कितना खर्चा हुआ, पूरा डिटेल्स। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा आखिर तक, तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ये हरिघाटा जो है यहाँ पहुँचने के लिए आपको वाया नलबारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम जाना पड़ेगा, जो कि नलबारी डिस्ट्रिक्ट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम गुवाहाटी सिटी। और नलबारी से ये जो एरिया है, ये जलपरी फैमिली रेस्टोरेंट अंडर वाटर रेस्टोरेंट, ये 25 किलोमीटर दूरी पर है। बार बार हम लोग यूनिक बातें बोल रहे हैं। यूनिक इसीलिए है कि ये सेंटर से, अंडर वाटर रेस्टोरेंट से, जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात है, यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट भी मिले हैं ये जलपरी ढाबा के थ्रू। अभी बाढ़ आ गया था बीच में असम में बहुत, फिर और ज़्यादा मछली भर गया था, और यहाँ अगर लोग आते तो उनको जो भी मछलियाँ खाने का पसंद है तो वो यहाँ से तुरंत ही पकड़ के फिशिंग करके वो लाते हैं और फिर उसको बना के लोगों को खिलाते हैं। और ये सेंटर जो है, ये सेंटर इंडिया का नंबर 2 अर्थात वो सेकेंड पोजिशन में है, और पहला जो है वो अहमदाबाद में है। शीशा जो ग्लास का बोतल है, वो बोतल से घर बनाया है, तो सोच लीजिए। तो कुछ तो एक्सेप्शनल चीज़ें हमको दिखने को मिलेगा, हम आगे लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाएंगे। मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो अगर अच्छे लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप बर्मन्स ब्लॉग का वीडियो अगर नए से वॉच कर रहे हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये हमारा सौभाग्य की बात है, ये अमरेंद्र भैया हमारे पास है अभी, अमरेंद्र भागवती, जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो एक एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने एक्सेप्शनली चीज़ों को डेवलप किए हैं। ये जलपरी अंडर वाटर रेस्टोरेंट इन्होंने यहाँ खोले हैं। गूगल वगैरह में हम लोग सर्च किए थे मतलब अंडर वाटर रेस्टोरेंट के बारे में, तो हम लोगों को मिला है ये इंडिया का सेकेंड नंबर में आते हैं, और पहला जो है वो अहमदाबाद में है। इनके बारे में, ये होटल के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग जानेंगे। ये जो जलपरी रेस्टोरेंट है, ढाबा है, फैमिली रेस्टोरेंट है, फैमिली ढाबा है, तो आप लोग कभी भी आ सकते हो। आपने जो ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किए थे, ये कब स्टार्ट किए थे और ये आइडिया आपको कहाँ से आया? मैंने स्टार्ट किया था 2010 में, अभी 12 साल हो गया। तभी हमारा नाम दिया था जलपरी, इधर में थोड़ा सा तालाब था, तालाब के ऊपर ही ब्रिज बनाया बेम्बो का, उसके बाद
नीचे नीचे डेवलप हुआ है, अभी तो पूरा कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। जी जी तो जलपरी नाम से ही मेरे को दिमाग में आया, तो कोई ना कोई जल से कर सकता हूँ, तो इसीलिए सोचा तो पानी के नीचे एक रूम बना लेता हूँ। जी यही कॉन्सेप्ट आया। एक्चुअली हम लोग ये वीडियो हिंदी में बना रहे हैं बिकॉज आमार অসমীয়া মানুহখিনি তো হিন্দী বুঝিয়ে পায় 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 সেই কারণে, কারণ কি আমার আপুনি এটা আমার কারণে গৌরবৰ পাত্র বুলি আমি কব লাগিব, বিকজ আপুনি এতে এনেকুৱা এক্সেপশনেল বস্তু আপুনি ডেভেলপ কৰিছে। আমাৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ, নলবাৰী টাউন সে 25 কিলোমিটাৰ দূৰী পৰ হে ইয়ে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট কে অন্দৰ মে আতে হে। তো দৃশ্যটো এইটোৱে কি আমি হিন্দীত কৰিলে আমাৰ বাহিৰৰ যিখিনি মানুহ থাকিব, বাহিৰৰ ষ্টেটৰ মানুহ থাকিব, যে আমাৰ অসমতো এনেকুৱা এজন এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ আছে যে ইমান ধুনীয়া এক্সেপশ্যনেল ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড পজিশ্যনত তেখেতে এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টক আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। তো এই বস্তুটো আমি আমাৰ বাহিৰৰ মানুহখিনিক জনাবলৈ আমি হিন্দীৰে ক'ব লাগিব। চ' সেইকাৰণে হিন্দীত চেষ্টা কৰিছোঁ, ভাবিছোঁ আমাৰ অসমৰ মানুহখিনি এইটো কথা মাইণ্ড নকৰিব, আমি সেইকাৰণে হিন্দীতে কৈছোঁ। কিন্তু আমাৰ অসমীয়া, আমি অসম, আমাৰ সদায় দেহে প্ৰাণে সদায় আমাৰ হেৰিত আছে। মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ অসমবাসী ৰাইজক কি তেওঁলোকে মান্য কৰিব কথাটো হিন্দীত কোৱাৰ কাৰণে। তো চলিয়ে ফিৰ আপ অভি কিতনে সাল হ'ল আপোনাৰ? 2010 মে ষ্টাৰ্ট কিয়ে থাকে 10 মে, তো মতলব 12 সাল হ'ল, 12 সাল হ'ল, 12 সাল হ'ল। তো আপনে পহিলে ইয়ে জো ইসমে ইনভেষ্ট কিতনা হুৱা থা আপকো? জব শুরু কিয়া থা তো 1 লাখ ৰুপিয়া সে শুরু কিয়া থা, 1 লাখ ৰুপিয়া, ও ভি উধাৰি লেকে। দেখিয়ে 1 লাখ ৰুপিয়া সে ইনহোনে ইয়ে সেন্টাৰ কো, ये जलपरी रेस्टोरेंट को स्टार्ट किए थे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। तो लाइक स्प्रिंग द बिगिनिंग्स ऑफ ऑल थिंग्स स्मॉल, छोटे से हिस्से ही बड़ा होता है। तो इन्होंने 1 लाख रुपया उधारी लेके बेज में लेके ये सेंटर को स्टार्ट किए थे और यहाँ तक अभी नियर अबाउट 40 लाख रुपीज इनको इन्वेस्ट हो गया है। तो बताइए आपका और आगे का गोल क्या है, मकसद क्या है? रहने के लिए भी रूम बनाएंगे, अभी जो बाहर से आता है ना, इधर में छठेबीर में बेल मेटल का ये है, जी जी, बेल एंड ब्रास मेटल का, थोड़े आगे एक आश्रम है उसमें भी बाहर से आदमी आता है, लेकिन यहाँ पे होटल नहीं है रहने के लिए। जी और खाना खाने वाला अच्छा रेस्टोरेंट तो है ही नहीं, ये है एक और दूसरा है नहीं। तो लोग पूछते है रहने के लिए कहाँ जगह, तो अभी हम वही सोच रहे हैं कि कहाँ बनाओ, वो प्लान कर रहे हैं अभी। जी जी, या तो भूटान से भी आता है जी ये बेल मेटल खरीदने के लिए, दिल्ली से आता है लोग, तो आने से इधर आता है कुछ निकले, हम खाना खाएंगे, रहेंगे कहाँ। जी तो उसी के बारे में सोच के थोड़ा प्लान बना रहा है। ओके, तो होटल का सुविधा नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा दूरी पर एक आश्रम है, कृष्णा गुरु आश्रम। तो हम लोग दूसरा वीडियो में आप लोगों को वो आश्रम भी दिखाने की कोशिश करेंगे। सरथेबारी जो एरिया है वो बेल एंड ब्रास मेटल का फेमस है, तो हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ रहने का थोड़ा सा व्यवस्था नहीं है। नलबारी डिस्ट्रिक्ट में है, नलबारी सिटी में है, लेकिन नलबारी सिटी यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये इनका मानना ये है कि हम अगर यहाँ अगर रहने का थोड़ा सा व्यवस्था कर दे लोगों को, तो और टूरिस्ट आएंगे यहाँ। तो इनका ये सब चीजें हमको बहुत ही अच्छा लगा, और एक इनका यूनिक चीजें हमको पता चला कि इन्होंने बोतल शीशा से घर बनाए हैं यहाँ एक, तो वो भी हम लोग देखेंगे। वो आइडिया आपको कहाँ से? वो आइडिया अपने आप आया दिमाग में, खाके फेंकते हैं ना बोतल वगैरह, हम वो रख के, अच्छा कचरा कचरा को, कचरा घर पे पड़ा हुआ टायर से खिड़की बनाया, वही यूनिक चीज सोच के हम बनाते हैं। कितना क्रिएटिव, देखिए ये बोतल का चीजें जो कचरा होता है वो कचरे को लोग फेंक देते हैं, गंदगी फैलाते हैं, लेकिन इनका सोच देखिए सभी चीजों में एक एक पॉइंट में इनका यूनिकनेस हमको नजर आ रहे हैं। तो बोतल जो फेंकते हैं इधर उधर, तो इन्होंने क्या किया है, उसको इकट्ठा किए हैं और उसको एक क्रिएटिव सोच के साथ उन्होंने एक रूम बनाया है जो बोतल का है, शीशा का है, तो वो भी हम लोग दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपसे मिलके आपसे जो भी इंट्रोडक्शन हमको मिला है बहुत अच्छा लगा, और हम थोड़ा सा दिखा देंगे, ठीक आगे चलिए, है ना? चलिए ओके। ये एक फुट ब्रिज भी बना के दिए हैं वो बोतल का घर में जाने के लिए, तो हम लोग बढ़ेंगे आगे, बहुत ही सुंदर। और रास्ते के बिल्कुल बगल में ही है, मतलब नलबारी सरथेबारी रोड जो है वो रोड के बिल्कुल पास में ही ये ढाबा आपको मिलेगा।
धब्बा बहुत पॉपुलर हो गए हैं, आप लोग गूगल वगैरह में सर्च करोगे, यूट्यूब में देखोगे, ये धब्बा के बारे में मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज सेकंड पोजीशन इन इंडिया। ये बोल के हमको बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा असम में भी ऐसा एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने फर्स्ट सेकंड पोजीशन लिए हैं, और असम के अंदर में इनका जो धब्बा है वो फर्स्ट पोजीशन में है। ये जो पौंड है, तीसरी भी बोल सकते हैं, एक्चुअली इनका अभी काम चल रहा है सफाई करने का। ये बिल्कुल नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आओगे यहाँ आप लोगों को नीला नीला दिखेगा, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन का काम अभी चालू है और बाढ़ होने के कारण ये काम नहीं कर पाए हैं कंप्लीट। ये आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे का जो है ये पूरा टाइल्स से भर देगा, फिर वो नीला नीला दिखने लगेगा स्विमिंग पूल के जैसा। और स्विमिंग पूल का भी शायद साइड में वो रख सकते हैं, मुझे मालूम नहीं वो आइडिया है कि नहीं बगल में, क्योंकि जो लोग यहाँ ठहरेगा तो वो स्विमिंग पूल का भी मजा ले पाएगा। अच्छा, हमने पूछा उनको स्विमिंग पूल का व्यवस्था, वो इस बार करने का मन था उनको, लेकिन वो बाढ़ आ गया कारण वो बंद कर दिए हैं। जब भी आएंगे तो यहाँ रहने का भी व्यवस्था आप लोगों को मिल जाएगा, पानी के अंदर थोड़ा सा मजा ले सकते हैं, यहाँ स्विमिंग पूल वगैरह भी बनाएगा। तो चलिए बोटल का घर देखते हैं। कॉटेजेस के साथ ताल्लुक रखते हुए इन्होंने यहाँ ये देखे कितना बढ़िया से आर्टिस्टिकली ये बोतल का घर जो हमने बताए थे वो बनाया है। देखिए थोड़े से नजदीक जाके हम लोग दिखा देंगे, अंदर से भी दिखा देंगे। भगवती दा, ये जो बोतल यहाँ लगाए हैं ये पूरा सिक्योर है क्या, ये टूटता नहीं क्या? नहीं नहीं, पूरा पूरे उत्तम टूटे का नहीं, ईट की तरह ही है। अच्छा, बाकी तो यही सीमेंट वगैरह ही है, ईटा की जगह में ये दे दिया। इसको अगर हाथोरी से टूटेगा इतना ही टूटेगा, अंदर नहीं टूटेगा। बगल में ये सब क्या है? सीमेंट नॉर्मल है। और ये टायर लगा, मेरा गाड़ी का पुराना टायर था हुआ था, ये खिड़की बना दिया, बढ़िया खिड़की भी दिए हैं। और दूसरी बात है, दूर से अगर आप लोग देखोगे तो ये थोड़ा सा एक कैमरे का लेंस जैसा दिखता है, और यहाँ से पूरा वो बाहर का दिखता है। आसाम में एक्चुअली मैं हर एक वीडियो में बोलता आया हूँ कि यहाँ हैंडीक्राफ्ट और नेचर को बहुत ही सम्मान किया जाता है। तो ये रेस्टोरेंट में ऐसा आप लोग अगर दोस्तों के साथ आओगे तो ऐसा कॉटेजेस बना के रखे हैं, आप लोगों को एक नेचुरल फील करवाएगा। आपको क्या बता सकते हैं, हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज इतना यूनिक चीजें इतना माइंड में आपको कैसे आता है। और हम लोग बर्मंस ब्लॉग फैमिली की तरफ से आपको हम विश करते हैं कि आप आगे बढ़िए, एक एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योर आप बनी है, इंडिया में नाम रोशन करिए, पूरा दुनिया आपको जाने, और मिलेंगे आपको जब आप ये स्विमिंग पूल वगैरह बनाएंगे। और हाँ, जैसे कि रहने का व्यवस्था करोगे तभी हम और आएंगे, आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे, तो हम जल्दी ही वो चीज़ें देखने को मिलेगा, ये हम उम्मीद रखते हैं।